फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सोनेट 116 जिसका टाइटल है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। उससे पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस आ चुकी है जिसे आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये सोनेट की शुरुआत की 4 लाइन्स है। मैं यानी शेक्सपियर ऐसे किसी भी रीज़न को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, कोई दो सच्चा प्रेम करने वाले के बीच में कोई बाधा आए वो एक ना हो सके, इस मामले में कोई बाधा आए। प्यार प्यार ही नहीं है जो अपने प्रेमी को बदलता देखकर खुद बदल जाए। अगर तुम्हारा प्यार लवर छोड़ देता है और तुम्हारा प्यार भी खत्म हो जाता है तो वो प्यार नहीं है। आगे बोलते हैं कि ओ नो, प्रेम तो एक ना बदलने वाला चिन्ह है। जैसे कि आसमान में ध्रुव तारा नहीं हिलता डुलता, वैसे ही हमारा प्रेम भी होना चाहिए जो तूफानों में भी बिना हिले चमकती रहती है। ये उस चमकती हुई सितारे की तरह है जो हर भटकती हुई नाव को रास्ता दिखाता है, जिसका मूल्य नहीं आंका जा सकता, हालांकि उसकी ऊंचाई को नापा जा सकता है। आगे की स्टेंजा है, प्यार जो है वो टाइम के अंदर नहीं आता, पर टाइम के पास ऐसा ताकत है कि वह गुलाबी होठों और गालों को बर्बाद कर दे। बोला जा रहा है कि प्रेम नहीं बदलता, चाहे हफ्ते बीत जाए या घंटे या महीने, बल्कि आखिरी दिन तक प्रेम टिका रहता है। अब कॉपलेट में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें बोला जा रहा है कि अगर ये बात गलत निकली तो मैं गलत साबित हो सकता हूँ, तो मैं ये समझूंगा कि ना मैंने कभी कुछ लिखा है और ना कभी किसी व्यक्ति ने किसी से प्यार किया है। यहाँ आपका पोयम खत्म हो गया। अब आता है आपका समरी। यह सोनेट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है और विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में हुआ और मृत्यु 1616 में हुई। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स का मतलब है द मैरिज ऑफ ट्रू लवर्स, जिसमें दो सच्चे प्रेमियों की बात बताई गई है। इसमें बोला जा रहा है कि दो सच्चे प्रेमियों के बीच कोई भी नहीं आ सकता और ना टिक सकता है, और सच्चे प्रेमी को कोई हिला नहीं सकता, वो एक के बदलने पर भी स्थिर ही रहता है, बदलता नहीं है। सच्चा प्रेम बिल्कुल आसमान के ध्रुव तारे की तरह होता है जो आंधी तूफानों से भी अपना जगह नहीं बदलता, और यह तारा जहाज़ों को रास्ता दिखाती है, इसकी वैल्यू को नहीं आंका जा सकता है, और समय के आगे तो कोई नहीं टिक सकता, जिस कारण वो रोजी लिप्स और चीक्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन प्यार समय के साथ खत्म नहीं होता, वह जिंदा रहता है मृत्यु के दिन तक। और अब सोनेटर यह भी कहते हैं कि अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो मैंने आज तक कुछ नहीं लिखा और ना ही किसी से कभी प्यार किया। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एक बहुत ही सुंदर पोयम है जिसे विलियम शेक्सपियर ने कंपोज किया है, और इसमें बताया गया है कि सच्चा प्रेम क्या होता है और क्या नहीं, दोनों चीज़ों को बताया गया है। पोएट बोलते हैं कि लवर बदल जाता है तो प्यार प्यार नहीं रहता, यह एक ऐसा बंधन होना चाहिए जो कभी ना मिटे, यह एक दिशा दिखाने वाले तारे की तरह होनी चाहिए जो तूफानों में खोए जहाज को भी उनके मंजिल तक पहुंचा दे। और यह भी कहते हैं कि ब्यूटी तो समय के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन प्यार वो तो आखिरी दिन तक जिंदा रहती है। समय का सच्चे लव पर कोई असर नहीं पड़ता और यह समय के बीतने पर भी नहीं बदलता। और लास्ट के लाइनों से पता चलता है कि उन्होंने यह सारी बातें सच ही कही है, और यही आज का टॉपिक एंड होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फ्रेंड।